फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ फ्रेंड मैं इवनिंग से, और आज फ्रेंड मैं बना रही हूँ खाने में डिनर में उड़द चने की दाल, और साथ में फ्रेंड मैं बनाऊंगी थोड़े से चावल और रोटी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को चावल बहुत ज़्यादा पसंद है और माही को भी। तो थोड़े से मतलब उड़द चने की दाल के साथ बनाऊंगी, और फ्रेंड आप भी ज़रूर खा के देखना, ट्राई करना ज़रूर। उड़द चने की दाल के साथ भी मतलब चावल अच्छे लगते हैं। मैंने मतलब फर्स्ट टाइम खाए थे तो मुझे अच्छे लगे थे। मैं सोच रही थी कि उड़द चने की दाल के साथ कौन चावल वगैरह खाता होगा, क्योंकि या तो काली मसूर के साथ खाते हैं चावल, और या हरड़ की दाल के साथ खाते हैं ज़्यादातर। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम खाए तो मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं थोड़े से इनके लिए ज़रूर बनाती हूँ। और साथ में फ्रेंड मैं बनाऊँगी चटनी, तो सिर्फ बदने की चटनी की तो बात ही अलग होती है फ्रेंड। और मैं मतलब कि बना रही हूँ आंबी की चटनी, आंबी पुदीना और लहसुन हरी मिर्च और टमाटर फ्रेंड, थोड़ी एक प्याज डालूंगी इसमें, तो बस मज़ा ही आ जाएगा आज तो, क्योंकि सिलबटने की चटनी की ना मुझे बहुत ही अच्छी लगती है फ्रेंड। और गर्मियों में चटनी ठंडी भी होती है, मतलब आंबी वगैरह की और पुदीने तो ठंडा ही होता है फ्रेंड, तो ज़रूर खानी चाहिए। तो फ्रेंड अभी मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आपसे। ओके, तो अभी बना लेती हूँ। यहाँ पे फ्रेंड मैंने हरी मिर्च ले लिया चार, और पुदीना पत्ते और टमाटर है, थोड़ी सी ज़्यादा बना रही हूँ फ्रेंड मैं, क्योंकि मेरी फ्रेंड रहती है ना कॉलोनी में, तो वो भी मतलब दूंगी थोड़ी सी। और एक है आम भी, ज़्यादा आम भी नहीं डालूंगी, फिर खट्टी हो जाएगी। और थोड़े से लहसुन लूँगी, ठीक है, तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे फ्रेंड मैंने सिलबट्टे को अच्छे से वॉश कर लिया था, और वीडियो को ज़्यादा ही फास्ट कर दिया फ्रेंड, क्योंकि फिर आप बोर हो जाते हो, और वैसे भी कोई फुल वॉश तो करता ही नहीं है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ही फास्ट कर दिया। और फ्रेंड प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना किस किस को सिलबट्टे की चटनी अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है फ्रेंड। और सर्दियों में ठंडी भी होती है पुदीने वगैरह की चटनी और प्याज भी, तो आपको भी खानी चाहिए फ्रेंड ज़रूर, क्योंकि मुझे तो सब्ज़ी से भी ज़्यादा अच्छी लगती है चटनी। और मिक्सी की तो मुझे पसंद नहीं है फ्रेंड ज़्यादा, बट बनाने को बहुत से लोग बना लेते हैं जल्दी के मारे कि चलो जल्दी बन जाती है, बट सिलबट्टे से अच्छा स्वाद तो मतलब मिक्सी में कभी नहीं आ सकता फ्रेंड, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मैं अभी लगा देती हूँ फ्रेंड म्यूज़िक, तो आप प्लीज़ फुल वॉच करना मेरी वीडियो को और इन्जॉय करिए। मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आपसे।
और यहाँ पे फ्रेंड मैंने मतलब बनाई थी दाल, और तो उसमें बस तड़का वगैरह लगाना था। उड़द चने की दाल बनाई थी फ्रेंड मैंने, तो बस अभी तड़का वगैरह लगा दूँगी। और आटा वगैरह भी शायद मैंने भून के रख दिया था, ताकि फिर मतलब कि मैं ऐसे ही करती हूँ फ्रेंड, एक तरफ मतलब सब्जी वगैरह बना देती हूँ, दाल वगैरह, और उसके बाद आटा वगैरह गूंद के रख देती हूँ। इसमें आटा भी मतलब मेरा मुलायम हो जाता है, और ताज़े आटे की रोटी अच्छी नहीं बनती फ्रेंड, तो इसलिए कम से कम आधे घंटे पहले या 20 मिनट पहले लगा के रख देना चाहिए, क्योंकि उससे रोटी भी बहुत मुलायम आती है फ्रेंड। तो किचन वगैरह मेरी क्लीन हो गई है फ्रेंड, और थोड़ी बहुत बर्तन वगैरह हैं फ्रेंड, बस दो चार ही हैं, तो वो भी वॉश करके रख दूँगी, क्योंकि उसके बाद फ्रेंड मुझे जाना भी है, और बस फटाफट से काम मेरा हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा फ्रेंड किचन में ही लेडीज़ का वक्त गुजरता है, तो ज़्यादातर किचन क्लीनिंग में ही लगे रहते हैं वो, तो काफ़ी अच्छा भी लगता है फ्रेंड, तो इसलिए मैं तो किचन अपने ही क्लीन करती रहती हूँ, साथ साथ ज़्यादा टाइम नहीं लगता फ्रेंड इससे। तो फ्रेंड यहाँ पे मेरा काम वगैरह ख़त्म हो चुका है, बर्तन भी वॉश कर दिए हैं, और फ्रेंड यहाँ पे मतलब किचन वगैरह भी क्लीन, और खाना ही बन के रेडी हो गया है फ्रेंड। तो अभी फ्रेंड बस खा रोटी वगैरह ही बनानी है मुझे, और थोड़ी देर बाद बनाऊंगी फ्रेंड मैं। फ्रेंड मैं अभी जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर पर, तो चटनी वगैरह देने के लिए, और आज मतलब कि थोड़ा सा बहुत टाइम बाद जा रही हूँ, टाइम ही नहीं मिलता मुझे इसलिए। तो पियो का बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है, चले पियो। तो ठीक है फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना, और शेयर भी करना फ्रेंड। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज़।